कौन सी स्टाइल सीख चुके हो? ये देख, पकड़ डिग्री, पकड़ डिग्री, पकड़ उसको तीसरे पे उसको साठ। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? सबसे पहले तो भाई कश्मीर विंटर स्पोर्ट्स को इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली वीडियोस अच्छी हैं, जोक्स अच्छे हैं, प्यार नहीं दिखाओगे तो मैच मैं हुआ है तुम हो। एनीवेज, मूविंग ऑन, उस सीरीज को एक ब्रेक देके मैं ये वाला एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज़ दिस इज जस्ट वन ऑफ दोस वीडियोस जिसका मुझे पता है कि अगर जल्दी से जल्दी अपलोड नहीं की ना तो भाई फोन आते रहेंगे। करण भाई प्लीज वो वीडियो मत डालना मेरी, भाई मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा, प्लीज अपलोड मत करना, ठीक है? तो हाँ, आओ कॉलेज चले। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारे कॉलेज में कल्चरल फेस्ट, तो अभी जाएंगे, लोगों का मजाक उड़ा के आ जाएंगे। अब कश्मीर जाके कंटेंट शूट किया तो किया ही, पर वहाँ जाके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो ये कि भाई वीडियो का एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए, फिर चाहे वो लोगों को हंसा के आए या उन्हें लड़ा। तो हम आए हैं स्कॉस्ट में, ये स्कॉस्ट की सबसे बड़ी, ये इसका मुंह देख लो। अभी इसके साथ निर्भया केस का सीन हुआ, अभी अभी से रॉड डाल के निकाल के मुंह से निकाली है। ये मैं कैसे डालूंगा भाई यूट्यूब पे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पहले डोला दिखाइए, डोला दिखाने अरे अच्छी लग रही बॉडी यार, दिखा सही ट्राई से। इनका बॉडी बनाने का शो कभी नहीं जाएगा। ओ भाई गिरा गिरा अब ये सब करते करते मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा और मेरे कॉलेज ने कहा कि भाई आ तो सही दिलाता हूँ। आज यहाँ पे असद भाई और तुषार भाई दोनों स्टेज पे चढ़ के एक नंबर की सिंगरिंग करने वाले हैं। सिंगरिंग 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 करते हैं ना जो गाते हैं, एक सिंगरिंग का सैंपल हो जाए सर। ये क्या ही सिंगरिंग कर रहे हैं कसम। एक नंबर गाया भाई, माँ कसम मैं कसम रहा तेरे को यार। भाई मोदी जी ने चेंज तो किया भाई, देखो भाई कश्मीर का यूथ भाई देखो कैसे गाना गा रहा है। बताना सुनाना गाना, गाना तो सुना वीडियो के लिए। हाँ ओए शांत रहो, मैथिली गा रही है, इसने सिंगरिंग करनी है स्टेज पे आज। सिंगरिंग 200 लोगों की ऑडियंस के सामने आज मैथिली स्टेज पे सिंगरिंग करेगी। एक नंबर करनी है एकदम दिल खोल के। हाँ जो मैंने सिखाई, इन्होंने सिखाई है, आप कैसे कर सकते हो? जो मैंने सिंगरिंग सिखाई है एकदम खुले दिल से करनी है, ये नहीं सोचना कि योग है। कराना पीछे वाला लुक चेक करा, जीवन में कितने हैं, जीवन में कितने टट्टा चमक गए हैं। क्या लगता है क्या सोर्स है भैया का? सोर्स ये सोर्स है इनकम आती है पीछे से, रोज रात को रोजी रोटी पे बैठता है। और मैं तो करूंगा, ये कह रही है हमको बकचोदी नहीं करनी, हम सिर्फ चोदी करेंगे। ऐसे वेव करूंगा तेरे को, ठीक है? ओए गाना खत्म करके एपी ढिल्लो की तरह तोड़ दियो। एपी ढिल्लो गा रहा था रॉक म्यूजिक, उसने तोड़ दिया, सोचिए अकूस्टिक गाए हैं तो अब अलग आसमां है और तोड़ दे। तो अपने जूनियर्स को मोटिवेट करके मैं सीधा पहुंच गया ऑडिटोरियम पे। अब तुम बस इस चीज का ध्यान रखो कि ये जो प्रोग्राम हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया हुआ था ना, ये स्टेट के कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया गया था। मूविंग देख सकते हैं, राज्य देखना तीन माइक लगाए हैं, कुछ हाइपरसोनिक शूट होने वाला है। फिंगरिंग करनी है ऊपर दो पीछे, सिंगरिंग सिंगरिंग एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा भद्रवा से आई है। वाह भाई सही तो आ रही है, तो भाई सही गाए मेरे कंटेंटेंट में, मजाक उड़ाने हैं उसका वो कस्बे। भाई मोदी जी ने डेवलपमेंट तो लाई, देखो कश्मीर का यूथ कैसे गाने की तरफ जा रहा है। वो कह रही है गो फॉर इट, उसने इतना बड़ा पकड़ा मैथिली, गो फॉर इट। ये तो कह रहे थे कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे, ये कल्चर है। असबा आओ ना, बैकस्टर अच्छा गा रहा था यार ये, अब यहाँ ना आ गए बस तेरे को भगा दिया था यहाँ से। वो जला हुआ घर वो देख, वो पीछे पहाड़ के ऊपर मेरा जला हुआ घर, धुआं उसी का तो निकल रहा है। पांडू के पापा देख रहे हैं क्या हो गया? दादा कहाँ है? दादा तो दादा सही में मोदी ने कश्मीर का यूथ बंदूक छोड़ के गिटार उठा रहा, तो कोई रीजन है? और गाना सुनने के बाद असबे ने हक दिया, इसके हाथ में बंदूक ही ठीक है भाई, चुप करता है भाई सुनने से। अब जुदा हो रहा है, अंदर जा रहा है गुस्से रहे, ये भी ले ले। लचक देगा ना खुद के साथ। राज्य क्या डांस किया माँ की कसम, आप मुंबई आ सकते हो। ट्रैविस ट्रैविस स्कॉट।
उसकी बीट की आवाज ज्यादा आ रही है। नहीं गाना नहीं सुनाई दे रहा, इतना फ्री स्टाइल रैप है। क्या कर रहा भाई? ये रस्ता बता रहा है यहाँ से। एमसी स्टन अब आते मेन काम पे, जिसके लिए मैं ऑडिटोरियम में इतनी देर से बैठा हुआ था। मैथिली क्या सिंगरिंग कर रही है माँ की कसम यार। देखो चिट्टा चिट्टा सुनाई दे रहा था। हाँ भी बोल रहे थे। अगर वो बैठा होगा ना यहाँ पे। मेरी बात आ रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ ये इंसान बहुत बकचोद इंसान है। दैट्स व्हाई पंडित वर फेल्ट आउट ऑफ द वैली। आई नो व्हाई। मोटिवेटेड तू मत गा रे यार। बंद करा यार इसका। और भाई ये सब होने के बाद भी फाइनली विटनेस हिस्ट्री, बादशाह एंड हनी सिंह ऑन स्टेज टुगेदर। कमबैक कमबैक हो गया ये जियान भाई। एक सौ दस कॉस्ट में और फॉर्म पे नहीं आ सकते भाई। इसमें जियान का कल्चर कहाँ है? इंडिया का कल्चर तो नहीं है। अंडर एज लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाना इंडिया का कल्चर है। अब जब भाई बदमाशी की बात आई तो भाई ने बोला करने का तो करने का। बॉम्बे दे वाश शो जम्मू च। राम जी हेलो कर दो। सून टू बी डी डांस होने वाला। क्या कह रहा था? ये लड़की है बीच वाली। बीच वाली लड़की है? हाँ। मैं नहीं मानता भाई। देखना मैंने देखे तो उसके ऐसे ऐसे उंगलियां निकली हुई।